300 किलोमीटर की 84 कोसीय पद यात्रा रमेश बाबा जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई। मान बिहारी जी लाल इस यात्रा में डोले में सवार हैं। रमेश बाबा जी यहां पर एक कुर्सी पर बैठकर एक गाड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं है कि वो पैदल चल सकें। और ये पूरी यात्रा इसी प्रकार से होती है, नाचते हुए, घूमते हुए, झूमते हुए ये बालिकाएं चलती हैं। ये गुरुकुल की बालिकाएं हैं, चाहे कीच आए, चाहे धूप आए या पानी आए, ये इसी प्रकार से घूमती रहती हैं। और 300 किलोमीटर तक ये ऐसे ही घूमती हुई आगे आगे यात्रा के चलती हैं। पीछे इनके साधु संत चलते हैं, रमेश बाबा जी चलते हैं। तो साथियों, आज यात्रा पहुंच चुकी है रमेश बाबा जी की उस गौशाला में, जिसका नाम है माताजी गौशाला। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला बताई जा रही है। इस गौशाला में 60,000 गायें रहती हैं, और उन गायों का जो प्रतिदिन का खर्चा है वो बताया गया है 30 लाख रुपए प्रतिदिन। जब हम इस गौशाला के अंदर गए तो ये बहुत बड़ी गौशाला, पूरी आप ये गौशाला देखेंगे यात्रियों से भरी हुई है। और इतने बड़े बड़े यहाँ पर ट्रैक्टर आते हैं और भूस, गेहूं, चरी, चारा, सब कुछ की यहाँ पर लाइन लगी रहती है पूरे दिन। यहाँ पर जो इनका खाने की जो चरी होती है वो कुटती रहती है, भूसा खलते रहते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर टेंट से जैसे वो बने हुए हैं, शेड बनी हुई हैं, और गायों के रहने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी शेड बनी हुई हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो ये भूसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं खलाने के लिए। और दूसरी तरफ में अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, लाइन लगी रहती है महाराज यहाँ पर, क्योंकि गायों का खर्चा ही इतना ज़्यादा है, 30 लाख रुपये प्रतिदिन। और एक खास बात और है इस गौशाला में, इसी गौशाला के अंदर पेट्रोल पंप भी है। इसी गौशाला के अंदर स्वयं मान मंदिर की बिजली घर भी है, और न जाने क्या क्या यहाँ पर डेयरी उत्पाद, और बहुत ही यहाँ पर ये है कि गायों की रक्षा के लिए और पर्वतों की रक्षा के लिए रमेश बाबा जी कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस ब्रज को बचाए रखा, उन्हीं की देन है कि आज हम वास्तविक ब्रज देखते हैं। ये देखें यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, और इन ट्रैक्टरों में भी यहाँ पर गेहूँ भरे हुए हैं, और इधर की तरफ में देखेंगे चरी है, और भी अगर आगे मुड़ के देखेंगे तो पूरी ये यात्रा आज गौशाला के अंदर ही चल रही है। पूरी गौशाला की ये यात्रा परिक्रमा लगाएगी, और परिक्रमा लगाने के बाद जैसे ही ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी तो सूर्य कुंड पहुँचेगी, नौवारी चौबारी पहुँचेगी, रतन कुंड पहुँचेगी। फिर ये यात्रा रंगीली गली, मयूर कुटी, गहबर वन, सांकरी खोर, बिहार कुंड, दोहनी कुंड, मानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़, पीली पोखर, बृषभान सरोवर, कीर्ति सरोवर, रावण वन, पांडर वन, प्रेम सरोवर, श्री संकेत देवी सूर्य कुंड, और बरसाने में पूरी यात्रा को करते हुए ये यात्रा फिर नंदगांव और अष्ट सखियों के दर्शन करते हुए ललिता जी, ऊंचा गांव, और आपका बहुत ही आनंद लेते हुए ये आपकी यात्रा तुंग देवी दी जी, रंग देवी जी, सुदेवी और चंद्रावली और सभी देवियों के दर्शन कर हुए चंपक लता जी, इंदुलेखा जी, विशाखा जी की तरफ में ये यात्रा पहुंच जाएगी। उसके बाद में ये यात्रा खैरे गांव की तरफ होते हुए पिपासा, लुधौली होते हुए बधावल और नंदगांव में पहुंच जाएगी, और फिर नंदगांव में आनंद रस लेते हुए दोमिलवन, पूर्ण मासी जी, उद्धव क्यार, यशोदा कुंड, काजल कुंड और माठ खूंटा, मधुसूदन कुंड, चरण पहाड़ी, पनिहारी कुंड, बिंदा देवी, पावन सरोवर, फुलवारी कुंड, मोती कुंड, छाछ कुंड, मोर कुंड, कृष्ण कुंड, मोहन कुंड, आशेश्वर, तेर कदम वन, और आप बिजवारी, श्री जाब बट वन, गिढ़ो, सांचौली देवी, कोकला वन, बठेन, बठेन का होरंगा, पांडव गंगा, कामर,
कोटवन, दधीगांव, रासौली, हताना, चमेली वन, नंदन वन, शेष सहिया, कोसी, खरोट, फालेन, पैगांव, उझानी, शेरगढ़, ऐंछा दाऊजी, बिहार वन, कासरोट, गांगरोल, चीरघाट, तपोवन, नंदघाट, उमरायो, बसई, छाता, रनवारी, नई सेमरी, ताराबन, चौमा, पारसौली, आजई, जैत, छटीकरा, गरण गोविंद, सुनरख, सेही, देवी आटस, बराहर, आटस, माट, छरारी, भांडीरवन, भद्रवन, पात्रवन, बेलवन, मानसरोवर, होली, लीला, पानी, गांव और वृंदावन के दर्शन करते हुए 2 दिन यात्रा वृंदावन में रुकती है। फिर भतरौड़, अक्रूर जी, लोहवन, तारापुर, नंदी बंदी, दाऊ जी और श्री कृष्ण जी का विवाह, दाऊ जी का विवाह, उसके आनंद लेते हुए ऋण मोचन, चिंताहरण, ब्रह्मांड घाट, महावन, गोकुल, रमण रीति, रावल और फिर ये यात्रा मथुरा में आ जाएगी। मथुरा के वनों के बारे में यहाँ पर अद्भुत जानकारी इन भक्तों को दी जाएगी। श्री भूतेश्वर, पोतराकुंड, विश्राम घाट, तीर्थ घाट, यमुना जी, गताश्रम टीला, गताश्रम तीर्थ, मथुरा के टीले, मथुरा के कुंड, मथुरा के स्थल, मथुरा के घाट और मथुरा के सभी तीर्थ मंदिरों के दर्शन करते हुए ये यात्रा आगे मधुवन की तरफ निकल जाएगी। मधुवन से सतोहा, तालवन, कुमुदवन, कुम्बन दास जी की बैठक, यमुना बता, चतुरदास जी, माधुरी कुंड, गणेशरा, खेचरी गांव, राल, सौंक, बतस्यवन, नीम गांव, श्री सांखी, सहार, हाहावन, भरना खुंड, पाली, कुंजेरा, पलसों, सिही, कोनई, सिवार, ये सभी स्थानों को कवर करते हुए ये यात्रा हमारी फिर पहुंच जाएगी डीग की तरफ में, जहां पर गोविंद कुंड, डंडौती शिला और बीच में गोवर्धन में भी ये यात्रा रुकेगी, जिसमें कि गुलाल कुंड, बिच्छुल कुंड, श्री कृष्णदास जी, हरदेव जी, ब्राह्मण कुंड, मनसा देवी, श्री चकलेश्वर, मुखारविंद, इंद्रध्वज देवी, आन्योर गांव, श्री नाथ जी का प्रकट स्थल, सिंगार मंडल, प्रथम कथा, पूंछरी को लौटा और इन सभी स्थानों के दर्शन करते हुए गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा को करते हुए ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। और अब ये यात्रा डीग की तरफ बढ़ेगी, डीग में चारों धामों के दर्शन करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री हरिद्वार, हर की पैड़ी और ऐसे ऐसे दिव्य स्थान इस ब्रज में छुपे हुए हैं, जिनके दर्शन ये रमेश बाबा जी की यात्रा करवाती है। क्योंकि इस ब्रज में छुपा हुआ स्वरूप जो बाहर निकाला है, वो इन्हीं रमेश बाबा जी ने निकाला है और इन्होंने ही इन वृक्षों की रक्षा की है, वनों की रक्षा की है और अनेकों कुंड तो ये महाराज श्री ने बनवाए भी हैं। रमेश बाबा जी ने अनेकों कुंड किसानों से जमीन खरीद खरीद के भी बनवाए हैं, उन स्थानों की पुष्टि करके कि ये वही दिव्य स्थान हैं। तो ऐसे रमेश बाबा जी की यात्रा में जो आनंद रस प्राप्त होता है वो बड़ा ही अलौकिक और आनंदमय होता है। और इस यात्रा में भोजन की जो व्यवस्था होती है वो भी बहुत हल्की व्यवस्था होती है, बहुत कम खाने को मिलता है और अधिक चलने को मिलता है। कम खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि भोजन कम मिलता हो आपको, भोजन कम नहीं मिलता है लेकिन हल्का भोजन मिलता है। उस भोजन को करने से आपके अनेकों प्रकार के रोग तक भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको भोजन की जगह पर प्रसाद मिलता है और उस प्रसाद से बने हुए जो आनंद आप प्राप्त करते हैं वो बहुत ही दिव्य आनंद होता है। और इस यात्रा में काढ़ा भी मिलता है सुबह सुबह, उस काढ़े को पीने से भी बहुत ही हमारे शरीर को शांति प्राप्त होती है, चलने में भी उस काढ़े से सहायता मिलती है, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां डाली जाती हैं और ये सभी जड़ी बूटियां, जितनी भी जड़ी बूटी होती हैं वो सब आयुर्वेदिक होती हैं।
तो साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यात्रा माताजी गौशाला से बाहर निकल गई है और बाहर निकलने के बाद अब ये यात्रा रोड पर आ गई है। तो हम आपको संपूर्ण यात्रा के संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं, एक एक स्थान के आप दर्शन करेंगे और इस संपूर्ण यात्रा का अलौकिक आनंद भी आप ले पाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें और अगर आपने बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को नहीं दबाया है तो उसको भी आप तुरंत दबा लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत की तुरंत पता चल जाए। ऐसी अद्भुत महिमा इस श्री ब्रजधाम की, इस रसीली ब्रज यात्रा की है। तो साथियों लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।